बैठो यार। हाँ भैया जी, हमारे दोस्त हैं, इनने एक गेम डाउनलोड कर लगा, उन्हें लिंक भेजी, इनने लिंक पर एक गेम डाउनलोड कर लाओ, यानी 50,000 रुपया चले गए। 50,000 चले गए? कट गए तो पैसे तुम्हारे कट गए। एवी डाउनलोड कर लिया था तुमने गेम, जो वो हेलीकॉप्टर ऐसे ऊपर जाता है वो वाला। अच्छा, कुछ जीते भी थे पैसे? पहले 1,000 जीते, हाँ, 5,000 जीते, हाँ, हमने इकट्ठे 50,000 बताए। अच्छा, 50,000 कट गए पूरे। तो फटेगा हेलीकॉप्टर? अब बोल रहे हेलीकॉप्टर फट ही जाता है वो। क्या है जो एविटर गेम है या और भी अन्य गेम हैं, उनमें क्या होता है, तुम्हें पैसे जो छोटा छोटा अमाउंट लगाओगे, 100, 200, 500, 1,000 रुपये तक, वो तो तुम जीतते रहोगे, और जीतने के बाद अगर तुम उन्हें निकालना चाहोगे ना, तो निकाल भी नहीं पाओगे। अगर निकालोगे तो जैसे 2,000 तुम्हारा अमाउंट दिखा रहा है उसमें, उसमें से तुम मुश्किल से 1,000 रुपये या 1,200 रुपये निकाल पाओगे, बाकी उसमें अमाउंट तुम्हें 100 होता रहेगा, वो पूरा अमाउंट कभी निकलता नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे कितने चले गए पैसे? 50,000 रुपये। 50,000? मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में क्या तुमने किया है? आवेदन लेके आए हो? आवेदन लिया, स्टेटमेंट ने करवा लिया बैंक से। हाँ, वो दिखा दो, उसमें ट्रांजैक्शन आ रही रहती है, स्टेटमेंट नीचे वाली। एक टोल फ्री नंबर भी है, जैसे तुम्हारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी है। टोल फ्री नंबर है 1930। अगर उस पर अपन फ़ोन लगाएंगे तो वो ट्रांजैक्शन आई डी पूछेंगे, तुमसे समय पूछेंगे, फ्रॉड कैसे हुआ वो पूछेंगे। ठीक है, किसी का कॉल वगैरह आया था वो सारी जानकारी पूछेंगे वो। उसके बाद क्या है कि अगर सामने वाले के अकाउंट में पैसे होंगे तो तुरंत पैसा होल्ड हो जाता है। हमारे 50,000 रुपये वापस मिल जाएंगे? अपन पूरी उसमें प्रक्रिया करेंगे और कोशिश करेंगे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएं। अभी तुमने कॉल तो किया नहीं है। हमें पता ही नहीं है भाई साहब। चलो ठीक है, क्या है कि लोगों को पता नहीं है ये चीज़ों के बारे में। 1930 जो है ना, वो ऐसी सुविधा है कि घर बैठे आप 24/7, मतलब संडे सैटरडे ऐसा कुछ नहीं है, रात में दिन में कभी भी आप कॉल लगाओ, तुम्हारी कॉल अटेंड होगी और जो साइबर फ्रॉड जो हुआ है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। जैसे हम बर्बाद हो गए, कछु है कछु नहीं, तो उसके लिए हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे तुम्हारे पैसे वापस दिलवाने के लिए। चलो, इसमें हम पूरी प्रक्रिया कर देते हैं। क्या साइबर क्राइम पे आप 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं, और जो cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है उस पर आप जाके शिकायत दर्ज कर दो, वहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, हम उसमें कर देते हैं, तुम्हारा हो जाएगा। अपना मोबाइल नंबर बता दो, तो जैसे कुछ अगर जानकारी चाहिए होगी या तुम्हें कुछ बताना होगा, बात करनी होगी, तो तुमसे संपर्क कर लेंगे। 7878। जैसा कि भाई साहब ने अभी मोबाइल में जो गेम खेलने के लिए एविएटर जो चलता है वो है, वो डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद 100, 200, 500 रुपये छोटा अमाउंट ने लगाया, बता रहे कि 1,000 रुपये और 5,000 रुपये लगाया तो जीत गए, लेकिन जैसे ही 50,000 रुपये लगाया वो हार गए। अब इनके 50,000 रुपये चले गए, अपन प्रक्रिया करेंगे, हो सकता है कि इनके पैसे वापस आ जाएं, लेकिन आपको सावधान इस तरह रहना है कि रमी सर्कल हो गया, लूडो हो गया, ये एविएटर हो गया, इस तरह से और भी कई गेम हैं जो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलते हैं। रमी सर्कल भी आप देखोगे तो प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है, वो आप क्रोम पे जाके डाउनलोड करोगे, मतलब थर्ड पार्टी ऐप हो गया वो। थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि थर्ड पार्टी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल ना करें, इन चीज़ों से सतर्क रहें, सावधान रहें। दूसरा चलता है कि कोई भी आपको लिंक भेज दे, लिंक पर क्लिक नहीं करनी है आपको। ठीक है, अनजान कोई लिंक आती है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। कोई फेक मेल आते हैं, कोई फेक टेक्स्ट मैसेज आते हैं, जैसे तुम्हें कोई मैसेज आ गया अननोन नंबर से, उस पर लिखा हुआ है कि 25,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट कर दिए गए हैं और आप तुरंत इस लिंक पर जाके और अपने अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिए। वहाँ आप सावधान हो जाइए, बैंक इस तरह के मैसेज कभी नहीं करती, आपको तुरंत वो अकाउंट में शो होने लगेगा अमाउंट अगर आपके खाते में आया तो। ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक पर क्लिक करो और आपने अकाउंट में जाके विड्रॉल कर लो, इन चीज़ों से सावधान रहे। दूसरा एक ये रहता है कि आपको कोई APK फाइल भेजता है या EXC फाइल भेजता है, PIF भेजता है, जिस तरह से आपको एक्सेल फाइल दिखती है ना उस पर EXL दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट फाइल होगी उस पर DOC लिखा होगा, इसी तरह APK फाइल पे आपको APK दिखाई देगा, EXC फाइल पे आपको EXC दिखाई देगा। तो APK, EXC, PIF, SNS, VBS, ये जो एप्लीकेशन जो इस तरह के रहते हैं, ये सारे के सारे थर्ड पार्टी ऐप रहते हैं, तो इन पे क्लिक नहीं करना है आपको, नहीं आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। तो इन भाई साहब के साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है।